Hey guys, what's up? So today we will learn how to make a sentence, right, with two words, I don't like and the second word is at last. So हम लोग दो वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे. जो पहला हम लोग का वर्ड है वो है आई डोंट लाइक एंड जो दूसरा वर्ड है वो है एट लास्ट, राइट. सो लेट्स से आपको कोई इंग्लिश में बोलता है आई डोंट लाइक स्टैंडिंग इन अ क्यू. इसका क्या हिंदी मतलब होगा? मुझे कतार में खड़ा होना नहीं पसंद है. या फिर यदि आपको बोलना है कि मुझे कतार में खड़ा होना नहीं पसंद है तो आप बोल सकते हैं आई डोंट लाइक स्टैंडिंग इन अ क्यू. मुझे कतार में खड़ा होना पसंद नहीं है. आपको लेट्स से आपको इंग्लिश बोलना है कि आपको कोई काम करना पसंद नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई डोंट लाइक टू वर्क. मुझे काम करना पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक टू वर्क. मुझे काम करना पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक टू प्ले. मुझे खेलना पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक टू प्ले. मुझे खेलना पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक टू प्ले. मुझे खेलना पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक टू राइट. मुझे लिखना पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक टू राइट. मुझे लिखना पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक टू स्लीप. मुझे सोना पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक टू स्लीप. मुझे सोना पसंद नहीं है. जो दूसरा हम लोगों का वर्ड है वो है एट लास्ट. सो वी विल सी सम सेंटेंस हाउ वी शुड मेक अ सेंटेंस with a word at last, right? आपको बोलना है कि at last he succeeded in convincing them. What does mean by at last? Means आखिरकार. आखिरकार वे उन्हें समझाने में सफल हुए. At last he succeed in convincing them. आखिरकार वे उन्हें समझाने में सफल हुए. At last he succeed in convincing them. At last he succeed in finishing the work. At last he succeed in finishing the work. अंत में वह काम खत्म करने में सफल रहा. At last he succeed in finishing the work. अंत में वह काम करने में सफल रहा. At last he succeeded in doing his job. अंत में वह अपना काम करने में सफल रहा. At last he succeeded in doing his job. अंत में वह अपना काम करने में सफल रहा. At last he succeeded in solving the problem. अंत में वह समस्या को हल करने में सफल रहा. At last he succeeded in solving the problem. अंत में वह समस्या को हल करने में सफल रहा. Right? ऐसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं. इस दो वर्ड से मैंने बहुत सारे सेंटेंस बनाए. अब भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो. So first what you do is you watch this video 2 times, 3 times. First try to understand this, you know, 10 words, 9-10 sentences actually. If you are able to understand this, I am sure that you can make your own sentence, right? Thank you guys. Thank you for watching this. Hope you like this video. So if you like this, hit like button and subscribe my YouTube channel. Thank you once again.